दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी और ग्रह पर लिक्विड वाटर मिलना वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही खास बात होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी जीवित सभ्यता को जीवित रखने में पानी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पानी पृथ्वी पर ना होता तो ना ही पहले जीव जंतु की शुरुआत हुई होती और ना ही आज हम इंसान यहाँ पर मौजूद होते। हमारे सौरमंडल में कई जगह लिक्विड वाटर मौजूद है, लेकिन हमारी पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर भारी मात्रा में सिर्फ लिक्विड वाटर ही नहीं बल्कि गैसियस और सॉलिड वाटर भी मौजूद है। ऐसा आमतौर पर उन ग्रहों में होता है जो तारे के गोल्डिलॉक जोन में मौजूद होते हैं, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर जीवन पनपने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं और किसी भी लिविंग बींग्स के रहने के लिए उचित तापमान और कंडीशन होती है। पहले के साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि मंगल ग्रह भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता है और शायद वहां पर भी झीलें और नदियां मौजूद है। कई खगोल शास्त्रियों ने तो ये भी बताया कि उन्होंने मंगल ग्रह पर समुद्र और कॉन्टिनेंट को अपने टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया है। जियोवानी शेपरली ने 1877 में एक मैप बनाया था जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसमें जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं उसे उन्होंने कैनाली नाम दिया। उनका कहना था कि असल में नदियां हैं जो मंगल ग्रह पर या तो पहले के समय बहती थी या फिर इस समय भी बह रही है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या सच में मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है या फिर कभी पहले मौजूद था, और अगर हाँ तो आखिर वह पानी गया कहाँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब जियोवानी ने उस मैप को पब्लिश किया तो एक खगोल शास्त्री ने सच में मंगल ग्रह पर पानी खोज करने की शुरुआत कर दी और वह ये पता लगाने लगे कि क्या सच में मंगल ग्रह पर पानी मौजूद है। कुछ सालों की स्टडीज के बाद उन्होंने ये बताया कि मंगल ग्रह पर पानी तो नहीं मौजूद है, लेकिन वहाँ पर सूखी नदियों के ट्रेस जरूर मौजूद है जो शायद एलियंस ने पानी स्टोर करने के लिए बनाए होंगे। लेकिन बाद में कई सालों के बाद मंगल ग्रह की असली फोटो जब हमारे सामने आई तो पूरी दुनिया शोक में रह गई। 19वीं सदी में ऐसे काफी सारे लोग थे जो ये मानते थे कि मंगल ग्रह पर भी कोई एलियन सभ्यता रहती है और वहाँ पर पानी, हवा, सब कुछ बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। जब मंगल ग्रह पर असली खोज शुरू हुई तो पता लगने लगा कि मंगल ग्रह तो मात्र एक बंजर जमीन है जहाँ पर धूल और बर्फ के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने मॉडर्न स्टडीज में ये पाया है कि मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद है जो शायद बहते हुए पानी से बने होंगे। वे देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे उन्हें पानी ने ही फॉर्म किया हो। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर शोर लाइन्स, डेल्टा, समुन्दर, आईलैंड और कॉन्टिनेंट के स्ट्रक्चर की चीजें पाई है। मंगल ग्रह पर करीब 40,000 रिवर वैलीज है जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स की कुछ प्रेडिक्शन से मेल खाते हैं। अब वैज्ञानिकों को ये सब एविडेंस तो मिल गए थे, लेकिन बिना किसी एक्सप्लोरेशन के कहना कि ये सब कुछ पानी से ही बना है तो ये बिल्कुल गलत होता। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर किसी रोवर को भेजने की प्लानिंग की और क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा गया, जिसका मुख्य काम यही था कि वे मंगल ग्रह की सतह पर रिसर्च करे और ये पता लगाए कि उस पर पानी मौजूद था या नहीं। फाइनली 2012 में हमें ये पता चलता है कि सच में पुराने समय में मंगल ग्रह पर लिक्विड वाटर मौजूद था। जिस एरिया में क्यूरियोसिटी रोवर को उतारा गया था वहाँ पर मौजूद कंकड़ों से वैज्ञानिकों को ये पता चला कि मंगल ग्रह पर पानी पहले के समय जरूर मौजूद था, अन्यथा ऐसे कंकड़ कभी ही नहीं बनते। रिसर्च में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि एक समय पर मंगल ग्रह पर इतना पानी हुआ करता था पूरा ग्रह एक मील गहरे समुद्र से आसानी से ढक सकता था। ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि एक समय पर पृथ्वी और मंगल ग्रह बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मंगल ग्रह के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह बिल्कुल बंजर ग्रह बन गया जबकि हमारी पृथ्वी इतनी हरी भरी हो गई। मंगल ग्रह पर पानी के सबसे पहले सैंपल 1976 में मिले थे जब दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट ने पता लगाया था कि मंगल के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद है। बाद में वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि मंगल की मिट्टी और क्ले में काफी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमारी पृथ्वी पर ये पानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के जरिए बाहर आ जाता है, लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं फटता है इसलिए ये पानी पत्थरों में ही 1 अरब सालों से फंसा हुआ है। इतनी खोज के बाद 2003 में वैज्ञानिकों को एक और बात चौंकाने वाली बात पता चली। मंगल ग्रह पर भेजा गया मार्स ओडिसे ऑर्बिटर ये पता लगाता है कि मंगल ग्रह पर बहुत भारी मात्रा में पानी से बनी हुई बर्फ मौजूद है। इसके बाद 2008 में इस रिसर्च की पुष्टि करते हुए फिनिक्स स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह के नॉर्थ पोल की काफी सारी इमेजेस साइंटिस्टों को भेजता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये असल में बर्फ है जो धूल से ढकी हुई है।
अगर इस धूल की ऊपरी परत को भी हटा दिया जाए तो हमें नीचे से बर्फ दिखने लगेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में देख सकते हैं। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि मंगल ग्रह पर इतना पर्याप्त पानी है कि एस्ट्रोनॉट वहां पर जाकर कुछ सालों के लिए आसानी से रह सकते हैं। जब ये रिसर्च नहीं हुई थी तो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर घर बसाना काफी ज्यादा कठिन लगता था, क्योंकि उन्हें पृथ्वी से ही पानी वहां तक कैरी करके ले जाना पड़ता। लेकिन अब वैज्ञानिक पानी तो वहां पर खोज चुके हैं और इसलिए मंगल ग्रह पर जाने की होड़ भी तेज हो गई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद विशाल समुद्र इसके एटमॉस्फेयर की वजह से गायब हुए हैं। दरअसल जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर मौजूद पानी इवेपरेट हो जाता है और बादल बन जाता है। जब इन्हीं बादल का टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये बारिश बन के वापस से पृथ्वी पर ही गिर जाते हैं। लेकिन मंगल ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल बहुत पतला है, जिसकी वजह से इवेपरेट होने वाला सारा पानी अंतरिक्ष में चला जाता है और ग्रह पर वापस कभी नहीं आ पाता। यही कारण है कि हमें आज तक यहाँ पर कोई भी विशाल समुद्र या नदियाँ नहीं दिखाई देती। अब अगर सवाल को थोड़ा और डीप तरीके से समझे तो इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों मंगल ग्रह के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर नहीं है। वैज्ञानिक इसका भी उत्तर जानते हैं और उनके मुताबिक पहले के समय मंगल ग्रह के पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर हुआ करता था, लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा वीक है, इसलिए सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म इसके वायुमंडल तक आसानी से पहुंच जाती है। और ऐसा होने का मतलब है कि वायुमंडल बहुत तेजी से नष्ट होने लगता है। मंगल ग्रह के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और यही कारण है कि आज ना इसके पास लिक्विड वाटर है और ना ही एक अच्छा वायुमंडल। मंगल ग्रह का तापमान भी काफी ज्यादा कम रहता है, जिसकी वजह से जो बचा खुचा पानी है वह भी बर्फ के रूप में बदल गया। जो थोड़ा बहुत पानी ऊपरी सतह पर बचा रहा वह भी अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मौजूद है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह मंगल के ध्रुवों में अभी भी बर्फ मौजूद है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बनी बर्फ भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड ही रह गया है जो मंगल के वायुमंडल में सबसे भारी मात्रा में मौजूद है। तो हमें ये तो पता चल गया कि मंगल ग्रह पर पानी था, लेकिन दुख की बात यह है कि कई अरबों सालों के समय में ये पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाता रहा और आज ये एक बंजर ग्रह बन चुका है। इस ग्रह को हम एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर देकर वाटर लॉस को काफी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन अब इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये बताना कि मंगल ग्रह पर एग्जैक्ट कितना पानी पहले मौजूद था थोड़ा कठिन है, लेकिन इसके लिए किसी वैज्ञानिक को ही मंगल ग्रह पर भेजना होगा जो वहाँ के रॉक सैंपल कलेक्ट करके उन पर रिसर्च करेगा और सभी सवालों के उत्तर ढूंढेगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी एक बहुत ही अनोखा ग्रह है। यहाँ पर पानी तो मौजूद ही है, साथ ही में इस पानी को बचाए रखने के लिए एक मोटा एटमॉस्फेयर भी है और इस एटमॉस्फेयर को भी बचाए रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अलावा हम जीव जंतुओं को बचाने के लिए यहाँ पर ओजोन लेयर भी मौजूद है। इतनी सारी चीजें एक ही ग्रह पर मौजूद होना बहुत ही रेयर बात है और इसलिए आज हमारी पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ढूंढा गया ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।